का टॉपिक है हमारा चाय, और चाय के ऊपर ही एक ऐसी ही एक हास्य कविता आज आपको हमारे अनु भैया, अनुराग भैया सुनाने वाले हैं। उस समय मैंने काका हाथरसी जी की ये चाय के ऊपर कविता सुनी थी, दूध दही फल अन्न जल छोड़ पीजिए चाय, बस लहसुन प्याज की कमी रह गई है, नहीं तो चाय की सब्जी भी हमारे यहाँ चली जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि राणा ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हमारे साथ में है हमारे अनुराग भैया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं चाय। चाय हमारे भारत में का सभी लोगों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाय के बिना किसी का दिन शुरू नहीं होता। खाना खाने के बाद मजदूरों को भी चाय चाहिए, दिन में सभी को चाय चाहिए, मतलब दिन में हम डेली रूटीन में भी लगभग 3 से 4 चाय लगभग पी जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा चाय, और चाय के ऊपर ही एक ऐसी ही एक हास्य कविता आज आपको हमारे अनु भैया, अनुराग भैया सुनाने वाले हैं, काका हाथरसी जी। तो कविता के बारे में और पूरी कविता को हमारे अनु भैया सुनाएंगे। तो अनु भैया अपने बारे में बताइए और उसके बाद में कविता को शुरू कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अरोड़ा है। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है और मेरा एक ग्रॉसरी व्यवसाय भी है। तो उन्हीं दिनों जब मैंने पढ़ना शुरू करा था, 9th या 10th की बात है, उस समय मैंने काका हाथरसी जी की ये चाय के ऊपर कविता सुनी थी और वो मेरे को पूरी तरह से कंठस्थ है। और आज भी मैं कई बार ये वाली कविता पढ़ लेता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। आज रवि राणा ने बोला, भैया ये वाली कविता तो बहुत अच्छी है, तो आप क्या हमारे ब्लॉग पर सुनाएंगे? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। तो कविता काका हाथरसी जी की कुछ इस प्रकार है। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, दूध दही फल अन्न जल छोड़ पीजिए चाय, छोड़ पीजिए चाय, अमृत सदी 20वीं का, जग प्रसिद्ध गंगा जल जैसे गंग नदी का। भाइयों इन उपदेशों का अर्थ जानिए, चाय बिना मानव जीवन को व्यर्थ जानिए। भाइयों पीकर चाय सभा संसद में, धुआंधार व्याख्यान करते नेताजी सभा संसद में। शक्ति लगी लक्ष्मण को, विकट हुए भगवान, संजीवन बूटी लेने गए पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान आ गए लेकर बूटी, उसका सेवन कर लक्ष्मण की निद्रा टूटी। कहत काका सुनो भाई, अखन की खत्री, हमें लगा कि उसमें भी थी चाय की कुछ पत्ती। तो दोस्तों आपने देखा होगा कितनी सुंदर कविता थी हमारे अनुराग भैया ने सुनाई, और वाकई में मतलब मन एकदम खुश हो गया कविता सुन के। तो चाय, अब आप चाय के बारे में समझ ही गए होंगे कि चाय का प्रचलन हमारे देश में कब से चला आ रहा है, कब से मतलब वर्षों से हम चाय पीते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें चाय के बारे में प्रचलित की हैं, और मतलब चाय के बारे में अनगिनत चीजें हमने सुनी। चाय के बिना हमारी जो है आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाय के बिना जो है एकदम भारत, हमारे पूरे भारत में लगभग सभी लोग जो है चाय के बिना एकदम अधूरा सा महसूस करते हैं। तो चाय हमारे जीवन का एकदम जो है मतलब दैनिक जीवन का एकदम अभिन्न अंग बन चुकी है। तो भैया कविता आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तो चाय के बारे में कुछ और चीजें बताइए ताकि हम और ज्यादा चाय के बारे में और ज्यादा जान सकें। तो बताइए भैया, चाय एक्चुअली हमारी एक ऐसी जरूरत बन चुकी है जिसके बिना हमारा सुबह शुरू हो ही नहीं सकती। सुबह के टाइम के अंदर 90% भारतीयों को सबसे पहले क्या चाहिए? चाय। उसके बाद तो वो फ्रेश हो पाएंगे, अन्यथा फ्रेश ही नहीं हो पाते। घर के अंदर मेहमान आएंगे, आप सबसे पहले उनसे प्रश्न क्या पूछते हो? भाई सर चाय कैसी लेंगे आप? और फिर चाय की वैरायटी देखिए, और हम अंग्रेज तो क्या सूखी सूखी चाय पीते हैं, हमारे यहाँ तो अदरक भी डाल दो और उसके अंदर दालचीनी भी डाल दो, बस लहसुन प्याज की कमी रह गई है, नहीं तो चाय की सब्जी भी हमारे यहाँ चली जाती। और चाय तो ऐसी चीज है, काम करने के बाद थक गए चाय, काम करने से पहले अरे काम करने का मन नहीं कर रहा है क्या करें, एक चाय हो जाए हर चीज से पहले। यहाँ तक कि कई लोगों को तो मैंने देखा खाना खाने के तुरंत बाद उनको चाहिए होती है चाय। चाय हमारे मानस, भारतीय मानस का ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर भारत में चाय बैन हो जाए तो जल के ऊपर दंगे बाद में होंगे, पहले चाय के ऊपर दंगे हो जाएंगे। और चाय
चुस्की ना नशा नहीं है, चाय एक तलब है। इसकी चुस्कियां जो गरम गरम लेने के अंदर जो आनंद आता है ना, पूरी अंतर आत्मा सर्दी के टाइम के अंदर ऐसी गर्म हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तृप्ति का जो भाव आता है वो चाय से ही आता है। चाय तो हमारे भारत का मेडिटेशन है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे चाय के बारे में। तो भैया ने देखा होगा कितनी अच्छी जानकारी दी हमें चाय के बारे में, और बहुत कुछ हमें एक तरह से पता लगा कि एक तरह से देखा जाए तो हमें चाय के बारे में और मतलब बहुत ज्यादा नजदीकी से हमें जानने का मौका मिला चाय के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वो जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दें। और वीडियो देखते समय क्या है कि आप यार सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या है कि वीडियो देखने से के साथ ही सब्सक्राइब कर लिया करें। क्या है कि आप वीडियो में भी इतना खो जाते हो कि वीडियो जो है कि यार आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके एक एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज्यादा ना मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज यार सब्सक्राइब करें, और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए। ठीक है, अब भैया आप भी कुछ हमारे दर्शकों से बोल, घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद रवि राणा को निरंतर देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरम चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली है।